नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का लर्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की ट्रिक एंड हिंदी इंग्लिश फॉन्ट एक साथ कैसे चलाते हैं पेज मेकर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन करके अपने पेज मेकर डॉक्यूमेंट में एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। ये मेरा पेज आ गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करना है। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया है और इसमें लिख लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्रिक है वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। देखिए कंट्रोल शिफ्ट बी करके आप बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी आई इटैलिक के लिए अंडरलाइन। और बाकी इसकी शॉर्टकट है एक, देखिए F6 से आप बोल्ड कर सकते हैं अपने फॉन्ट को, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। और F7 से आप इटैलिक कर सकते हैं, देखिए आपका फॉन्ट इटैलिक हो गया है। अंडरलाइन कर सकते हैं F8 से आप, देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया है। तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है पेज मेकर के अंदर। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता, इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप F6, 7, 8 इन तीनों शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए। और सेकंड में जो था मैं आपको वो बताने जा रहा था कि जैसे मैं इसमें से एक फॉन्ट पहले थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। एक वर्ड मेरा इंग्लिश का रहेगा तो एक हिंदी का रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड जो है मेरा इंग्लिश का है, 11 इसका साइज रहेगा, और इसी का एक वर्ड जो है मैं हिंदी बना लेता हूँ और उसका फॉन्ट साइज 13 दे देता हूँ। ठीक है, आप देखिए हिंदी और इंग्लिश का मेरे पास फॉन्ट आ गया। ठीक है, इसका आप स्टाइल नहीं बना सकते, इसलिए आपको करना क्या है, दोनों को कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे अब देखिए इंग्लिश में कुछ लिखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इंग्लिश वाले को हटा के यहाँ पे हिंदी फॉन्ट को टाइप कर लीजिए, जैसे राम घर जाता है। देखिए हिंदी आ गया। और फिर से अगर इंग्लिश टाइप करना है तो आप उसको हटा लेते हैं, ये फिर से पेस्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने हाथ में कॉपी रखिए दो फॉन्ट को हिंदी इंग्लिश के और उसे टाइप करते चलिए। जब इंग्लिश की आए तो इंग्लिश टाइप करिए, हिंदी आए तो हिंदी टाइप करिए। इसका कोई एक स्टाइल नहीं बनता जिसमें दोनों फॉन्ट अप्लाई हो जाएं, दोनों फॉन्ट अप्लाई नहीं हो पाते, एक ही फॉन्ट अप्लाई होता है। इस वजह से ये काम करना पेज मेकर में थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसलिए कॉपी करके ही फोटो को चलाया जाता है। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।